सबसे पहले हम यहाँ पर ये दो बीटरूट लेंगे और इसे पील ऑफ कर देंगे, सिंपल जैसे हम पील ऑफ करते हैं। बीटरूट को पील ऑफ करने के बाद हम उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसे ऐसे चॉप कर लेंगे। ऐसे किसी बाउल में हम इसके जूस को निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट ग्राइंड करके भी इसके जूस को निकाल सकते हो। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मैंने ये बीटरूट का यहाँ पर जूस निकाल लिया है। और अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, सो हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ बोल हम रख लेंगे और उसमें जो ये बीटरूट का हमने जूस निकाला था उसे हम इसमें डाल लेंगे। और ये जूस डालने के बाद हम 1 कप वाटर लेंगे। ये 1 कप वाटर हम लेंगे और ये भी इसमें डाल लेंगे, इनफैक्ट 1/2 कप ही सिर्फ डालेंगे। और इसको थोड़ा हाई टेम्परेचर देंगे और फिर यहाँ पर हम 2 टी स्पून चाय पत्ती में से डालेंगे। 1 एंड 2 और इसे हम बॉईल हो देंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से बॉईल हो गया है, इसे ऐसे करके बॉईल करवा लेंगे मिक्स कर करके। तो ये हमारा ऐसे बॉईल हो गया, अब हम इसे उतार देंगे और इसे ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना 2 मेहंदी का पैकेट लेंगे। ये मेरा छोटा पैकेट है, अगर आप बड़ा लेते हो आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग कोई सा पैकेट ले सकते हो। इसे हम कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद हम अलग एक बोल में इसे डाल लेंगे। सेम इसको भी वैसे ही कट करके हम डाल लेंगे। और अब ये जो हमने इसमें चाय की पत्ती डाली थी और बीटरूट का जो जूस डाला था और इसे बॉईल किया था, अब हम इसमें इस मेहंदी को मिक्स करेंगे। ये इसमें जो चाय की पत्ती है उसे हम छानेंगे नहीं, क्योंकि इसे हम पूरी रात तक छोड़ेंगे और पूरी रात छोड़ेंगे तो जो चाय की पत्ती थी उससे जो कलर बाहर आना होगा वो और पूरी रात में बाहर आ जाएगा। पूरा एक साथ हम नहीं डालेंगे वरना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे हमें कितना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। आप इसे पूरी रात भी छोड़ सकते हो और अगर आप चाहो तो इसे 3-4 घंटे पहले भी ऐसे बना करके छोड़ सकते हो 3-4 घंटे के लिए, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी रात ही से छोड़ो। पूरी रात छोड़ने से होगा ये कि ये कलर काफ़ी अच्छे से आपके हेयर में आएगा। इसे हम काफ़ी अच्छे से मिक्स करके पूरा एकदम सॉफ्ट बना लेंगे, एकदम अच्छे से। देखिए ये अभी इस टाइप का है। पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ अलग ही तरीके से दिखेगा आप लोग को। मैं पूरा मिक्स करने के बाद इसे आप लोग को दिखाती हूँ। इस मेहंदी को मैंने अप्रॉक्स 6 से 7 मिनट्स तक मिक्स किया और अब आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट सा लग रहा है और इसमें कोई भी खुरदरापन नहीं है। हमें ऐसे ही मिक्स करना है और पूरी रात तक इसे छोड़ देना है ताकि वो पूरा मेहंदी अच्छे से कलर सोख ले और हमारे हेयर में अच्छे से कलर आए। हेयर मैं कल सुबह ही से अप्लाई करके दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स, पूरी नाइट के बाद हम इनको
सो फ्रेंड्स, ये हमारा मेहंदी ऑलरेडी पूरा रेडी हो चुका है और अब इसे मैं अपने हेयर में आप लोग को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। देखिए, पूरी रात में इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है, ऐसा ही होना चाहिए। और अब मैं इसे अपने हेयर में अप्लाई करूँगी। हेयर में अप्लाई करने से पहले हमें अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लेना है और टू पार्ट्स में अपने हेयर को डिवाइड कर लेना है। पहले हम अच्छे से कॉम कर लेंगे। आपका हेयर ऑलरेडी साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और आपके हेयर में किसी भी तरह का कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए। उसके बाद तब फिर ये मेहंदी हम अप्लाई करेंगे। हल्के हल्के हाथों से लेकर के थोड़ा थोड़ा हम इसे अप्लाई करेंगे। तरीके से कुछ हम अपने हेयर में पूरा अप्लाई कर लेंगे। पूरे हेयर में हमें अप्लाई करना है। जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपने पूरे हेयर पर मेहंदी अप्लाई कर चुकी हूँ और जो हमारे ये फेस पर फॉरहेड पर जो फॉल हुआ है उसे हम कॉटन से साफ कर लेंगे। और ये ऊपर भी मैंने यहाँ पर बन बना लिया अपने सारे हेयर को एक साथ ऐसे ऐसे धोने की। और मेरे हाथ देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके से हो गया। इसे अब जल्दी से साफ कर लेंगे वरना पूरा कलर हमारे हाथ पर आ जाएगा। और अभी बच रहा है हमारा सुबह का 9 और इसे मैं 12 बजे तक रखूँगी और 12 बजे फिर मैं अपने हेयर को वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद, हेयर को ड्राई करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है और इसका कलर कैसा आता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेटर है, ये बहुत ही नेचुरल है, आप प्लीज़ इसे ट्राई करना। इसे वॉश करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो अभी, खैर आप लोग को नहीं दिखेगा इसका कलर, बिकॉज इसका कलर जनरली सनलाइट में आप लोग को समझ में आएगा या फिर जो फ्लैश लाइट होते हैं उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मेहंदी है, ये कोई कलर नहीं है। बट हाँ, इससे आपके हेयर कलर हो जाएंगे। और अगर आप वीक में अगर एक बार आप यूज़ करते हो तो एक मंथ में आपके कलर में, आपके हेयर में ऐसा कलर आ जाएगा कि आपको वो रियल में भी दिखेगा। आप देख सकते हो हल्का रेडिश टाइप पे शाइन दे रहा है, शायद अगर आपको दिख जाए तो सही है, अगर नहीं दिख रहा है तो। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसे अप्लाई करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आप लोग को ये कैसा लगा। और इसे अप्लाई करने के बाद सीरियसली आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देख सकते हो हल्का सा शाइन शायद दिख रहा होगा, कैमरा कैप्चर कर पा रहा होगा, बट जब आप धूप में निकलोगे बहुत ही माइंड ब्लोइंग वाला एकदम रेडिश शाइन देगा आपका हेयर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात। फिर बताए।